तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये वाला रील जो है इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस चल रहा है, तो इसका वीडियो एडिटिंग आज हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा VN नाम का। तो चलिए देखते हैं इसकी वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। तो आपको VN एप्लीकेशन ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका फोटो ऐड कर देना है, मैंने स्किप कर दिया। और ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके इसका 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आप 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड ये सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लैक बार जो है आपको यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर देनी है साइज, इसकी इमेज की साइज़ थोड़ी आपको एक्स्ट्रा कर देनी है। एंड यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करना है, एंड म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे जो वीडियो है वो डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए है यहाँ पे, और इसका सॉन्ग भी एक्स्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आपने वीडियो डाउनलोड किया है तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एंड उस वीडियो में जो सॉन्ग है उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है, मैंने स्किप कर दिया था वो वाला पार्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे प्ले कर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ इस सॉन्ग को, और इस सॉन्ग को लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं मेरा वीडियो और सॉन्ग दोनों एक लाइन में आ गए। अगर आपके एक्स्ट्रा हो गए तो आप क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है। आप देख सकते हैं ऐसे ट्रिम करना है आपको, और ऑडियो के बराबर आपकी इमेज लगा लेनी है ठीक से। एंड यहाँ पे इसे लगाने के बाद आप देख सकते हैं दोनों एक बराबर लग गए हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाली स्टेप आप ध्यान से सुनना। एंड यहाँ पे आप देख सकते 4:50 सेकंड पे यहाँ पे कट मार लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो अलग वाला सॉन्ग जो है स्टार्ट होता है, वो बीट यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर, यहाँ पे मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे कट हो गया है हमारी इमेज। तो अब आपको क्या करना है, ये लेफ्ट वाली जो इमेज दिख रही है ना, इसे हमें इफेक्ट लगाना है ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर ये बीट म्यूज़िक पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सिलेक्ट करना है। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको एक इफेक्ट लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने सिलेक्ट किया। एंड नीचे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, एंड आप देख सकते हैं ब्लैक और एक है और वाइट और एक है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक और वाइट दोनों है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक सिलेक्ट करके इसे पूरा लगा लेता हूँ, ये 3 सेकंड तक ही लगता है। तो आपको क्या करना है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना ऊपर लाइन, तो इसको थोड़ा बीच में लेके कट करना है। आप देख सकते हैं नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, इसमें कट कर देता हूँ। और दूसरी वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, और उस पर भी एक इफेक्ट लगाना है, क्योंकि ये 3 सेकंड तक ही लगता है ना, तो इसलिए हमने दो पार्ट कर दिए और दोनों को 3-3 सेकंड का लगा दिया। आप देख सकते हैं दोनों पर हमारा इफेक्ट लग गया। और अब रह गई लास्ट वाली इमेज जो अलग बीट बजने पर आती है, तो वहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, एंड आपको जो इफेक्ट पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लेना। आप देख सकते हैं मुझे ये जिटल नाम का इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा लेफ्ट में लेना है, और ज़्यादा लंबा नहीं करना वरना आपका ये एनिमेशन जो है स्लो हो जाएगा, इफेक्ट स्लो हो जाएगा। तो इसे लगाने के बाद राइट पे क्लिक करना है, हमारा वीडियो हो गया। आप देख सकते हैं आप फर्स्ट वाली इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इतना करने के बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है गाइस। तो ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पर क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट कर देना है 60 FPS में, आपका एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर पूछना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है darkestgamingyt। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, अनिहो, जय महाराष्ट्र।